One, Myself, Dr. Roma Ghai, from Associate, I'm Pro Associate Professor from Kite School of Pharmacy, Kite Group of Institutions, Ghaziabad, and I will be presenting on the topic Pharmacovigilance Program of India. Now, this will be Lecture 3 belonging to the syllabus Pharmacovigilance PP805ET. Now, let us understand i have already told you about the who PIDN program and india joined who pid program in 1998. now, basically, what was happening was uh, in the year 1999 onwards, there was growth of indian pharmaceutical industries, together with rapid growth of clinical research scenario, which emphasized a need of a robust safety monitoring program. that's why there was a need of a program. program kicks rurathi.

and 22806 in 2009 came. <coughs> so basically applications, kiskali, applications, basically, toward the approval of the drugs. so realizing the need of such program, the government of india relaunched, why i'm saying relaunch? i'll tell you later. government of india relaunched the massive and ambitious national pharmacovigilance program in the year 2010. please remember the year 2010 with its own expense. उससे पहले कब हुआ था पामुख बिजनेस प्रोग्राम बेसिकली द अर्लियर नेशनल प्रोग्राम वॉज इनिशियट इन टू थाउजेंड फोर वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस स्टूडेंट्स टू थाउजेंड टेन में अपने एक्सपेंसिस से प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और टू थाउजेंड फोर में वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस ली गई और ये जो प्रोग्राम था ये एंड अप हुआ इन टू थाउजेंड एट बिकॉज दैट प्रोजेक्ट वॉज ओनली फोर ईयरस प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट्स बेसिकली पी वी पी आई आई पी सी समझ लेते हैं PVPI is a आई program अ India. प्रोग्राम is इंडिया इट IPC, that's the Indian Pharmacopoeia सी दैट अ इंडियन फार्मोकोपी कोपिया कमीशन आई पी सी इट्स एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन It मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड India, फैमिली वेलफेयर इट working as गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज वर्किंग एज India. नेशनल सेंटर फॉर प्रोग्राम ऑफ इंडिया इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं अब नेशनल कोर्डिनेशन सेंटर को मैंने ब्रीफ में एनसीसी लिखा है

मॉनिटर करना क्या मॉनिटर करना एडवर्स रिएक्शन किसके अंदर मॉनिटर करना इंडियन पॉपुलेशन में तो इसका मेजर काम क्या है इस सेंटर का काम है टू डेवलप एंड मेंटेन फार्मा बेस और ये डाटा बेस किस में हेल्प कर रहा है इट इज हेल्पिंग टू फाइंड आउट वेदर द ड्रग इज सेफ और नॉट ठीक है अगर वो सेफ नहीं है तो क्या एक्शन लेंगे रेगुलेटरी इंटरवेंशन कैन बी मेड बेस्ड इन द इंडियन पॉपुलेशन बेस्ड इफ द ड्रग इज नॉट सेफ देन रेगुलेटरी इंटरवेंशन विल टेक प्लेस ना व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फंक्शनल फार्मोक सिस्टम समझ लेते हैं कि नेशनल फार्मोपन सेंटर होना बहुत ज़रूरी है ये सेंटर में एक स्टाफ प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए रेजिग्नेस स्टाफ एटलीस्ट फुल टाइम वन फुल टाइम स्टेबल बेसिक फंडिंग होनी चाहिए क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होनी चाहिए मैंडेट्स मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड वेल डिफाइंड रोल होना चाहिए एंड सेंटर शुड कोलेबरेट विद डब्लू प्रोग्राम फॉर नेशनल रेड मॉनिटरिंग जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ Secondly, existence of national national reporting reporting system system with a national individual case safety report form. चाहिए फॉर्म चाहिए तो reporting की जरूरत है और समझ लेते हैं और क्या जरूरत है एक डाटा बेस होना चाहिए सिस्टम फॉर कोलेटिंग एंड मैनेजिंग reports. रिपोर्ट फॉर कोलेटिंग collection कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑल्सो ठीक है कोलेट करना मतलब कोलेटिंग का मतलब क्या होता है कलेक्ट करना और एक पर्टिकुलर वे में क्लासिफाई करना और क्या जरूरत है की असेसमेंट रिस्क मैनेजमेंट केस इन्वेस्टिगेशन एंड वेयर क्राइसिस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग क्राइसिस कॉम्युनिकेशन देन फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज क्लियर कॉम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी रूटीन कम्युनिकेशन एज वेल एज क्राइसिस कॉम्युनिकेशन समझ लेते हैं बेसिकली ये हमारा बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर इंडिया स्टार्टीन एटी सिक्स विध ट्वेल्व रीजनल में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया डब्ल्यू एच ओ एरिया मॉनिटरिंग प्रोग्राम टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड एट में ये नेशनल प्रोग्राम

एज नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एरियाज इन द कंट्री तो एम्स को एक पर्टिकुलर ये सेंटर बना दिया गया फॉर मॉनिटरिंग एरियाज लेकिन फिफ्टींथ अप्रैल टू में क्या चेंज आया द नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम एम्स एम्स न्यू डेली टू इंडियन इंडियन फार्मोकोपिया कमीशन गाजियाबाद तो ये ओल्ड सेंटर था और ये प्रेजेंट सेंटर बन गया इन समझ लेते हैं इसको कि 1998 में बेसिकली जब इंडिया ने ज्वाइन किया था रिपोर्टिंग प्रोग्राम डब्ल्यू चू रिपोर्टिंग प्रोग्राम जॉइन किया था तब थ्री डब्ल्यू स्पेशल सेंटर्स थे एम्स था के एम था किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जे हॉस्पिटल ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड में चेंज क्या हुआ आया सिस्टम नैशा फार्मो प्रोग्राम प्रॉपर स्टैब्लिश हो गया टू जोनल सेंटर्स फाइव रीजनल सेंटर्स डी जी आई ड्रग कंट्रोलर जनरल ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर री लॉन्चिंग द नेशनल फार्मेंड टेन पूरा अपना बजट सपोर्ट से यह सिस्टम स्टार्ट हुआ And he also initiated national hemovigilance program in 2012, right? Now, 2010 ke baad, 15th April 2011 this basically centre shift ho gaya from AIMS to IPC So So, To mission vision dekh ye of program of India ka mission kya hai? Mission hai to safeguard the health of Indian population by ensuring the benefits of use of medicine. Should outweigh the risks. Now, benefits should be more than risk. So it should ensure benefits should outweigh the risk associated with its use. Vision tha? to improve patient safety, welfare in Indian population by monitoring drug safety and thereby reducing the risk associated with the use of medicines. Scope and objectives kya the? to create a national-wide system for patient safety reporting. टू आइडेंटिफाई सेफ्टी सिग्नल टू एनालाइज न्यू सिग्नल फ्रॉम द रिपोर्टेड केसेज केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पी वी पी आई के अंदर प्रोग्राम के अंदर आई पी सी के अंदर तो बेसिकली वो हम हेल्प दैट विल हेल्प इन एनालाइजिंग द न्यू सिग्नल फ्रॉम द रिपोर्टेड केसेज टू एनालाइज बेनिफिट डिस् रेशियो जैसे मैंने कहा बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए रिस्क कम होने चाहिए टू जनरेट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन टू सपोर्ट द रेगुलेटरी एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन द यूज ऑफ मेडिकेशन To promote the rational use of medicines, to communicate the safety information on use of medicine to various stakeholders to minimize the risk, to collaborate with other national centers for exchange of information and data management, to emerge as a national center of excellence for pharmacovigilance activities, to provide training and consultancy support to other national pharmacovigilance centers across the globe. The short-term goals kya hai? टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इन सिस्टम इन इंडिया एक डिवेल्प करना है दैट इज अजर गोल ऑफ पी वी पी आई टू एनरोल इनिशियली ऑल एम सी आई जितने भी जो आपके बेसिकली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस उसको एनरोल करना अपने अंडर कवरिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एरिया ऑफ द इंडिया टू एनकरेज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नॉ एच सी पीज आर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स देर आर डॉक्टर्स To encourage them in reporting of ideas to drugs, vaccines, medical devices, and biological products, collection of case reports and data. So, these are short-term goals. Long-term goals? Long-term is so to expand the PVPI to all the hospitals, whether it's government, whether it's private. har centers should be right? Then, to expand the public health programs located across the India. टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेड ई रिपोर्टिंग सिस्टम जो अब डेवलप हो चुका है टू डेवलप रिपोर्टिंग कल्चर मक्स देल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स ही मेडिसिन हमें देते हैं जब मेडिसन्स देते हैं उसकी वजह से ही कोई एडवर्स इवेंट्स होते हैं राइट अन इवेंट्स होते हैं अन टू वर्ड इवेंट्स होते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है टू बेसिकली एच सी पी मस्ट रिपोर्ट द एरियाज टू देंटर स्टूडेंट्स यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स वन सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट एडवर्स ट्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म दिस इज मैंट फॉर वॉल्ट्री रिपोर्टिंग बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ये रिपोर्टिंग फॉर्म बनाया गया है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही इस फॉर्म पर रिपोर्ट कर सकते हैं ये रेड फॉर्म है जो फ्लू फॉर्म है मेडिसिन साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर कंज्यूमर्स तो जब कंज्यूमर को रिपोर्ट करना है कोई अपना जो uh, उसके साथ कोई हादसा हुआ है मेडिसिन की वजह से राइट right? तो कंज्यूमर्स के लिए ब्लू फॉर्म बनाया गया है नाउ द मेन फंक्शन पीवीपीआई इज मॉनिटरिंग एडवर्स रिएक्शन एफिशिएंटली बाय सेटिंग अप वेरियस एडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स जिसको मैं ए एम सी बोलूंगी एडिया मॉनिटरिंग सेंटर अक्रॉस इंडिया एंड ट्रेनिंग पर्सनल हु कैन परफॉर्म दिस फंक्शन तो पीवीपीआई का मेजर फंक्शन क्या है मॉनिटरिंग करना एडवर्स रिएक्शन को कैसे मॉनिटर करेगा जब सेटअप कर देगा वेरियस एरिया सेंटर्स तो ये कम्युनिकेशन अंडर पीवीपीआई पर्टिकुलर फिगर दिखा रहा है इट्स शोइंग द कॉम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन की टू सक्सेसफुल फंक्शनिंग एंड द चार्ट चार्टिच इज द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द की स्टेक होल्डर्स एंड शोज कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज इसको समझ लेते हैं ठीक है नाउ सी डी एस इन न्यू डेली

ये सेंटर के पास रिपोर्ट्स कहाँ से आता है सेंटर्स के पास रिपोर्ट्स आते हैं एडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स से एडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं ये सेंटर्स रिपोर्ट करते हैं दर्स टू नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ये सेंटर्स के पास रिपोर्ट कहां से आते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स से सो एडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स इज ऑल्सो साइमटेनियसली कोटिंग विदी एस यू जोनल ऑफिसर्स लाइक साउथ जोन इन चेन्ई वेस्ट जोन इन मुंबई

तो स्टेयरिंग कमेटी क्या कर रही है सुपरवाइज कर रही है सुपरवाइज के साथ साथ डायरेक्शन दे रही है प्रोग्राम को स्टेयरिंग कमेटी लेट्स सी ग्रुप इट इज टू अप्रूव द मेजर टेक्निकल ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है अप्रूव करती है टेक्निकल इशूज रिलेटेड टू द एस्टेबलिशमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड टेक्निकल इनपुट्स टू द सी डी एस ई ये टेक्निकल इनपुट्स देती है सी डी एस ईओ को फॉर रेगुलेटरी इंटरवेंशन ऑफ मेडिसिन ताकि सी डी एस ओ अपना इंटरवेंशन कर सके इंटरवेंशन मतलब कोई दवाई का अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है तो वर्किंग ग्रुप ही है जो इनपुट्स देती है सी डी को और सी डी फिर फर्दर डिसीजन लेती है कि वो ड्रग को विड्रॉ करना है या वो ड्रग को चेंज करना है या वो ड्रग को आ, मतलब थोड़े टाइम के लिए उस बैच को हटा देना है रिकॉल कर लेना है नेक्स्ट कम टू क्वालिटी रिव्यू पैनल इट्स कॉन्स्टिट्यूट टू रिव्यू क्वालिटी कॉजालिटी असमेंट कम्प्लीटनेस ऑफ आईसीएसआर इंडिविजुअल केसीफ रिपोर्ट्स पैनल मेक रिकमेंडेशन टू पीवीपीआई वर्किंग ग्रुप्यू किस को रिकमेंड करता है वर्किंग ग्रुप को राइट और क्वालिटी रिव्यू पैनल क्या करता है डिवाइस फॉर मैट गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉलो अपल रिव्यू पैनल नाम से पता चल रहा है सिग्नल को रिव्यू करेगा जैसे क्वालिटी रिव्यू क्या कर रहा है क्वालिटी को रिव्यू कर रहा है कि आईसीएसआर जो रिपोर्ट है क्या वो कंप्लीट है उसकी क्वालिटी कैसी है उसकी कॉजालिटी असिसमेंट क्या है सिग्नल रिव्यू पैनल क्या कर रहा है इट्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस साइंटिस्ट क्लिनिकल एक्सपर्ट्स एफिलियटेड टू गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट अकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल नाम से पता चल रहा है सिग्नल रिव्यू क्या करेगा वो आइडेंटिफाई करेगा इवेलुएट करेगा किस चीज को इवेलुएट करेगा सिग्नल्स को

पेशेंट एक्सपीरियंसेस एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन अभी सिंपल कहती हूँ कि कोई पर्टिकुलर ड्रग लिया और पेशेंट को राश आ गया ठीक है इसकी रिपोर्टिंग की गई कहाँ रिपोर्ट की जाती है ए एरिया मॉनिटरिंग सेंटर पेरीफ्रल सेंटर रीजनल सेंटर जोनल सेंटर उसके बाद क्या होता है एनासिज एंड प्रोसेसिंग होता है बाई एरिया मॉनिटरिंग सेंटर यूजिंग विजी फ्लो फिर एरिया मॉनिटरिंग सेंटर अपलोड करता है एडियाज़ को ये एडियाज़ कहाँ पहुँचते हैं एन सी सी पी वी पी आई प्रोग्राम में पहुँचते हैं ठीक है इसी क्वालिटी असेसमेंट की जाती है अगर कोई न्यू सिग्नल आता है तो सिग्नल डिटेक्शन किया जाता है फिर इसको रिपोर्ट किया जाता है सी डी एस सी एज वेल एज डिसाइड किया जाता है क्या ये ड्रग को बैन करना है क्या ये ड्रग को विड्रॉ करना है राइट सो वॉट इज द इम्पैक्ट फार्मेंस वी एक्चुअली वॉन्ट पेशेंट सेफ्टी राइट तो बेसिकली अल्टीमेटली एम हमें क्या है पेशेंट सेफ्टी का आप देखते हैं कि बेसिकली क्या अप्रोचेज है रिपोर्टिंग करने के लिए दर इज एंड्रॉयड ऐप दर अ फीडबैक सिस्टम टोल फ्री सिस्टम रिपोर्टिंग फॉर्म्स कोलेब्रेशन राइट हु कैन रिपोर्ट एरिया एनी वन एनी वन के रिपोर्ट एडिया विद मेडिकल स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट पेशेंट डेंटिस्ट मेडवाइव कंज्यूमर्स वट टू रिपोर्ट सीरियस एज वेल एज नॉन सीरियस ऑल सस्पेक्टेड एरियाज तो बेसिकली जब ये पर्टिकुलर सिग्नल मिल जाता है इस पर्टिकुलर सिग्नल को कम्युनिकेट कैसे किया जाता है कम्युनिकेट थ्रू वेबसाइट न्यूज लेटर्स साइंटिफिक जर्नल्स मीडिया सो दैट द डॉक्टर्स शुड कम टू नो विच ड्रग इज प्रोड्यूसिंग दी हार्मफुल इफेक्ट्स सो दैट ड्रग शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब ठीक है अब चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस इसमें पी में अवेयरनेस लैक ऑफ कॉन्शियसनेस लेस फैसिलिटीज़ रोबर्ट्स पी भी डाटा बेस बनाना पड़ेगा कम्युनिकेशन गैप है ठीक है डॉक्टर्स को पता है, डॉक्टर कई डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि पी वी पी आई प्रोग्राम क्या चल रहा है उसको उनको नहीं पता कि फार्मोक्चन्स क्या होता है उनको अवेयरनेस नहीं है तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी ठीक है राइट प्लस लेस फैसिलिटीज़ आते हैं लेस एडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स आते हैं इंडिया इज़ अ सच अग कंट्री सो एरिया मॉनिटरिंग सेंटर्स हैव टू बी

किसी मधु गुप्ता को प्रॉब्लम हुई है कोई एडीआर हुआ है और डॉक्टर को रिपोर्ट करना है तो वो मधु गुप्ता नहीं लिखेगा वो लिखेगा एम जी यहाँ लिखेगा एम जी देन वॉट इज द एज एट द टाइम ऑफ इवेंट और डेट ऑफ बर्थ तो उसके लिए भी खाली ब्लैंक है कि डेट ऑफ बर्थ भरा जाएगा मेल है फीमेल है अदर्स है और वेट क्या है तो पेशेंट इंफॉर्मेशन इज इन सेक्शन सेक्शन बी सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन डेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टेड किस दिन पर्टिकुलर रैश स्टार्ट हुआ लेट्स टेक मधुगुप्ता को रैश हुआ तो कौन सा डेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टेड तो डेट मंथ ईयर कब वो रिकवर हो गई डेट ऑफ रिकवरी डेट मंथ ईयर डिस्क्राइब रिएक्शन द डॉक्टर हैज टू डिस्क्राइब द रिएक्शन नॉट ओनली डॉक्टर इट कैन बी एनी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर इवन अ फार्मासिस्ट कैन डू दैट डिस्क्राइब रिएक्शन आर प्रॉब्लम अब एक नई चीज ऐड हो गई इस फॉर्म में दैट्स ऑनसेट लैक टाइम लैक टाइम क्या होता है लैक टाइम होता है जब मेडिसिन दी गई और उसके बाद जब एडीआर हुआ वो टाइम गैप को हम बोलते हैं लैक टाइम और ये ऐड हो गया है वर्जन 1.3 पॉइंट थ्री ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म नेक्स्ट सेक्शन को देखते लेते हैं सस्पेक्टेड मेडिकेशन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर नेम होना चाहिए ड्रग का जिसकी वजह से एडीआर हुआ है सस्पेक्टेड ड्रग बोलते हैं उसको उसका मैन्युफैक्चर कौन सा है बैच नंबर क्या है एक्सपायरी डेट क्या है डोज क्या यूज की गई थी रूट क्या यूज किया गया था फ्रीक्वेंसी क्या थी ओडी थी बीडी थी ओडी मींस वंस अ डे बीडी मींस ट्वाइस अ डे बेसिन डाय बोलते हैं थेरेपी के डेट्स क्या थे कब डेट स्टार्ट की गई मेडिसिन की डेट कब स्टॉप की गई इंडिकेशन क्या था और कॉजलिटी असमेंट क्या था फिर Section C suspected medication may action taken mark the appropriate option for the action taken with respect to suspected drug. The doctor has to mark whether the drug was withdrawn, whether the drug wa dose was increased, whether dose was reduced, whether dose not changed, whether nothing has been done unknown. Doctor does not know. The in suspected medication there is a word called rechallenge, which is called reintroduction. Let us understand what is reintroduction. कुछ टाइम पहले ड्रग को हटा दिया गया और फिर रीइंट्रोड्यूस किया गया उसको बोलते री चैलेंज सो मार्क द अप्रोप्रिएट ऑप्शन वेदर द सस्पेक्टेड ड्रग रीइंट्रोड्यूस एंड रिएक्शन अ और नॉट और इफेक्ट अन तो समझ लेते हैं कि अगर वो ड्रग दोबारा से रीइनट्रोड्यूस uh, की गई है पेशेंट के अंदर क्या वो रिएक्शन रीअपेयर हुआ अगर रीअपेयर हुआ तो येस पे क्लिक करेंगे नो no हुआ तो नो no पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट अननोन है तो इफेक्ट अननोन पे क्लिक करेंगे और कौन सी डोज थी जो रीइंट्रोड्यूस की गई फिर नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कॉन्क्रोमेंट मेडिकेशन अब कॉन्क्रोट मेडिकेशन क्या है अब सपोर्ट पर्सन एक एक से ज्यादा ड्रग्स ले रहा है मेडिसिन ले रहा है ठीक है अब एक ड्रग तो हम सस्पेक्टेड बोलते हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया तो बाकी ड्रग्स को बोलेंगे कॉन्ट मेडिकल आ, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो उसके साथ लिए गए ठीक है सो so, कॉन्क्रेन मेडिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड सेल्फ मेडिकेशन हर्बल रेमिडीज तो थेरेपी, ओके ना थेरेपी डेट्स के साथ हमें ये डाटा देना पड़ता है कि कौन सा ब्रांड और जेनरिक दिया गया विथ सस्पेक्टेड ड्रग क्या डोज थी क्या रूट था क्या फ्रीकुन्सी थी क्या थेरेपी डेट्स थे और किस लिए दूसरे ड्रग्स को दिए जा रहे थे इंडिकेशन क्या था नेक्स्ट सेक्शन में आता है रिपोर्टेड डिटेल्स सपोज मैं रिपोर्ट कर रही हूँ uh, कोई पर्टिकुलर एडियार इन माई रिलेटिव तो मुझे तो आई बिकम अ रिपोर्टर तो मेरा नाम आएगा प्रोफेशनल एड्रेस आएगा और अगर डॉक्टर रिपोर्ट कर रहा है तो उसका नाम आएगा प्रोफेशनल एड्रेस आएगा पिन कोड ई मेल टेलीफोन नंबर ऑक्यूपेशन सिग्नेचर प्लस डेट ऑफ द रिपोर्ट इसके अलावा और क्या सेक्शंस हैं एडिया रिपोर्टिंग फॉर्म में रेलिवेंट टेस्ट एंड लैब डाटा विद डेट्स अगर सब वो रैशेज हुई हैं तो कोई लैब टेस्ट अगर डॉक्टर ने कराएं तो उसका डाटा आएगा कोई पर्सन को ऑलरेडी पहले से एलर्जी थी या कोई अलग सर रेस है या वो प्रेग्नेंट है या वो स्मोक करता है या वो अल्कोहल यूज करता है या उसकी किडनी काम नहीं कर रही या उसका लिवर काम नहीं कर रहा इसके बारे में डिटेल्स आएंगे रिएक्शन कितना सीरियस है इसकी डिटेल्स आएंगी अगर क्या रिएक्शन सीरियस है अगर नहीं है तो नो नोपटिक किया जाएगा अगर रिएक्शन सीरियस नहीं है मतलब सीरियस है बहुत ज्यादा रैशेस बढ़ गए हैं दाने दाने हो गए हैं बॉडी पे तो सीरियस है तो तब हम यस पे टिक करेंगे ठीक है सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन क्या डेथ हो गई तो किस दिन डेथ हुई क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो गई लाइफ थ्रेटनिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो गई पेशेंट की एडीआर की वजह से तो उस पर टिक करेंगे कौन से बैठ लें नॉर्मली सब उसकी प्रेग्नेट लेडी है और उसके बच्चे के साथ उसके न्यू बॉर्न बेबी में एडीआर हो गया तो कॉन्जेंट लाइनली को टिक करेंगे रिक्वायर्ड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट पर्मानेंट एम्पेयरमेंट राइट कोई पर्टिकुलर हमें ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें कि पर्मांट डैमेज ना हो सके तो इस पर टिक करेंगे और डिसबिलिटी हो गई तो इस पर टिक करेंगे तो बेसिकली ये अलग सेक्शंस हैं एरिया रिपोर्टिंग फॉर्म की अदर सेक्शंस आउटकम अब अगर एडिया ठीक हो गया तो क्या पेशेंट पूरा रिकवर हुआ या नहीं हुआ रिकवर हुआ लेकिन उसकी पुरानी बीमारी चल रही है तो इस पर टिक करेंगे रिकवरिंग है तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में टिक करेंगे फैटल है डेथ होने वाली है तो इस पर टिक करेंगे अननोन है तो इस टिक करेंगे ना डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन पी वी ना बेसिकली कम्युनिकेशन कैन बी डन बाय प्रेस एंड मीडिया कम्युनिकेशन वेबसाइट इज देयर न्यूज लेटर इज देयर ओके नाउ दिस इंक्लूड्स

बेटर विजिबिलिटी इन एक्सेस टू स्टेक होल्डर्स फेसबुक अकाउंट भी है पीवीपीआई का ट्विटर अकाउंट भी है जिसमें इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मिल सकती है और आप सब रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं so, तो हमने बेसिकली क्या दिया फार्मिजन क्या है PVPI is playing a very, very important role in generating awareness among healthcare professionals about the importance and process of reporting areas, which has led to the multifold increase in area reporting. just keep it as a coffee awareness, a coffee area reports are area monitoring centers across the country collect the reports from healthcare professionals and patients. And submit them as individual case safety reports to National Coordination Center, that is NCC. NCC sends the ICSRs to WHO ICSR database, that is base, which is managed by UMC, Uppsala Monitoring Center. Now Uppsala Monitoring Center is the WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring Program in Sweden. UMC supports the PVPI with tools like BGFlow. विजी बाइन विजी मेड विजी सर्च विजी लाइज एंडी एक्सेस इन टू थाउजेंड सेटरी सर्विस सो बेसिकलीज आर द रेस यू कैन गो थ्रू द रेफरेंस डब्ल्यू एच ओ डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आई पी सी डॉट डॉट जी ओवी अगर आप इस पर्टिकुलर साइट पर जाते हैं तो आप वहां पर न्यूज लेटर्स देख सकते हैं कि पी में लेटेस्ट क्या चल रहा है राइट right? ठीक है राइट right? क्या इसके मैंडेट्स हैं देन आई हैव टेकन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ विजिलेंस एस के गुप्ता विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड वी कैन सी अनदर बुक दैट इज जी पी मोहंटा एंड पी के मन्ना फ्रॉम देयर आल्सो सम डाटा हैज बीन टेकन तो स्टूडेंट्स अगर हम बेसिकली ध्यान रखें तो हमें यह ध्यान रखना है कि बेसिकली एक पी वी पी आई प्रोग्राम ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है इंडिया का और इसका बेसिकली बेसिकली प्रेस मीडिया कम्युनिकेशन वेबसाइट न्यूज़ लेटर से ये डाटा पहुंचा रहा है अपने बेसिकली uh, पब्लिक uh, को तो वी मस्ट ट्राई टू गो थ्रू दिस वेबसाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम ये वेबसाइट देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो हमारी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन है पी पहुंचा रहा है पूरे पब्लिक को आई एम सॉरी पी वी प्रोग्राम जो है पहुंचा रहा है पब्लिक को राइट right? तो अब हम ये कह सकते हैं हमने सेक्शन भी देख लिए एरिया रिपोर्टिंग फॉर्म के तो वी कैन सी दैट दैट दे आर वेरियस सेक्शन ऑफ एरिया रिपोर्टिंग फॉर्म एंड पेशेंट इन्फॉर्मेशन इज देयर सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन इज देयर सस्पेक्टेड मेडिकेशन इज देयर रिपोर्टेड डिटेल्स आर देयर देर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज देयर तो कभी भी मैं ये पर्सनली uh, बोलूँगी कि अगर आपके रिलेटिव्स में आपकी फ़ैमिली में uh, किसी को भी दवाई की वजह से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाए तो प्लीज़ उसको हाइड uh, मत करिए ये एडियर्स जो हैं ये टाइम टू टाइम बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल सो थैंक यू वेरी मच इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड थैंक यू